इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही राज्य परिवहन की यात्री बस खलगाट संजय सेतु पुल से संतुलन बिगड़ने के कारण नीचे जा गिरी, जिसमें खबर लिखे जाने तक 13 यात्रियों की मौत की खबर है, जिसमें 9 पुरुष और 3 महिला और एक बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना से मात्र 15 से 20 मिनट पहले बस ने होटल पर स्टॉप लिया था, जहाँ यात्रियों ने चाय और नाश्ता किया। तब यात्रियों ने सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन के मात्र 20 मिनट बचे हैं। 20 मिनट के बाद काल के गाल में समा जाएंगे। दुर्घटना के तत्काल बाद स्थानीय नागरिकों एवं गोताखोरों ने सराहनीय कार्य किया। प्रशासन भी तत्काल मौके पर पहुंच गया। मौके पर NDRF की टीम भी पहुंच गई। लगभग 12 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। तेज बारिश के बाद भी प्रशासनिक अमला पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव के कार्य में लगा रहा, लेकिन इस दुर्घटना में 13 यात्रियों को नहीं बचा पाए। धामनोद में पोस्टमार्टम कर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर शवों की पहचान का कार्य किया जा रहा है। कुछ परिवारों को भी सूचना दी गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शवों को परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा राहत राशि की घोषणा भी की गई है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस 7:30 बजे इंदौर से चली थी नर्मदा जी के खलगाट पुल पर, अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, SP, SDRF, NDRF की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, SP दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हो। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहां डल रहा था, तो वो भी दुर्घटनास्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। के आधार पर टूटी हुई थी, जो नदी से लोग भाग रहे थे उनको बचा हुआ मारा था, पर जो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग ही सवार थे और वो सभी मृत हुए हैं, कोई भी उसमें से बचा नहीं है। जो नाम निकल के आए हैं चेतन राम गोपाल जागीर, निवासी गायकला गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान, जगन्नाथ हेमराज जोशी मल्हारगढ़ उदयपुर राजस्थान, प्रकाश श्रवण चौधरी 48 साल अजमेर जलगांव महाराष्ट्र, अल्लेर या अमलेर है कोई जगह निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल, अमल नेर जलगांव, कमल वर्मा निवाजी पाटिल
55 साल, फिलौदा, अमलनेर, जलगांव, इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको मध्यप्रदेश का कोई नहीं था अभी तक शनाख्त में नहीं आया। और भी सब लोग क्या संख्या थी कि और भी अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए। कोई क्या कारण सामने आ रहा है, मुआवजे का कोई ऐलान किया? ऐसा प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो ये आया है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी बहकी और बहक के फिर नदी में चली गई, पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है जो प्रत्यक्षदर्शियों से जैसी बात हुई, जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे, आपने बस हमने बस का माना जो अधिकारी थे, इसलिए से वो भ्रम भी आपके मुआवजे अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे निकाली गई। कितने लोग बचा लिए गए हैं इसमें जो आज सुबह की घटना हुई है खलघाट पुल पर, इसमें 12 मृत शरीर निकाले गए हैं अभी तक, जिसमें से 9 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं जिनको पीएचसी धामनोद में रखा गया है। बच्चे लापता होने की सूचना भी सर मिल रही है। अभी जो अन्य जो संभावित बताए जा रहे हैं जो जिन्होंने घटना को देखा है उसके अनुसार, अभी जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं एसडीआरएफ की हमारी टीम और पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है, इसमें कोई और अपडेट आएगी वो आप लोगों को बताई जाएगी। हादसे में कोई बचाया गया सर अब तक? कोई जीवित निकला है? जीवित नहीं निकला है, 12 लोग मृत पाए गए हैं। किस तरह का रेस्क्यू में, अभी जैसे बारिश हो रही है सर तो कोई समस्या आ रही है? अब बारिश के कारण थोड़ा सा धीमा हो रहा है रेस्क्यू, लेकिन हमारी जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो पूर्ण तरह से सक्रिय है और हमारे पास पर्याप्त बल है। हम लोग अभी पूरा एरिया छान कर एक रेस्क्यू कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय स्तर पर हमारे जो स्थानीय गोताखोर हैं उनकी बहुत ही मदद मिली है समय पर, उसके अनुसार ही हम लोग अभी एक तीव्रता से जो भी शरीर निकाले गए हैं वो कर पाए हैं। सर ये 10 बजे की घटना है, हमने को सूचना मिली कि खलघाट ब्रिज से नदी में गिर गई है और रेस्क्यू टीम तो बहुत जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि बस वहाँ नीचे जो मेन पिलर का जो बेस है वो पत्थर है उससे गिरी थी, तो जो डेड बॉडी है मैक्सिमम डेड बॉडी बस से ही निकली है, तो 13 लाशें निकाली गई और ऐसी संभावना है अभी उसको ऑथेंटिक एक दो और बॉडी पानी में मिल सकती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर ये अब तक स्पष्ट हो पाया सर कितने लोग सवार थे बस पर? देखिए इसकी दयाप की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि और कोई डेड बॉडी शायद एक और मिले, इसकी अभी कोई संभावना नहीं है, मृतक की संख्या एक दो बढ़ सकती है। सर ये जो बॉडी कारण निकल के सामने आ रहे हैं सर, कारण तो बस तेज ड्राइव की होगी और ड्राइविंग बोर्ड के आई है, मतलब ड्राइविंग का फॉल्ट हो। सर बॉडी जो रिकवरी हुई है अब वो कहाँ के निवासी है? अधिकतर लोग तो महाराष्ट्र का, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रेस्क्यू किस तरह का जारी है सर? सर किस तरह का रेस्क्यू जारी है अभी? जो अभी ये संभावना ये अगर ऐसा हो सकता है हम उसको भी रूल आउट कर रहे हैं कि कहीं एक आध बॉडी पत्थर पे गिरी थी, तो अधिकतर लाशें तो मृत शरीर था वो तो बस में ही था, लेकिन इस संभावना को हम तलाश रहे कि कहीं कोई पानी में भी तो नहीं गिरा है। सर आप भी अभी नदी के बीच में पहुंचे थे, जिस तरह का बहाव है क्या लग रहा है कि सर साव बह गए होंगे? देखिए हम लोग चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया था, तो मुझे लगता है कि अगर डेड बॉडी होगी तो बहुत निकल गई है, लेकिन अगर होगी तो हम लोग उसको निकालेंगे। चाहे इतना सर कहाँ से कहाँ जा रही सर ये महाराष्ट्र में अमलनेर जा रही थी। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।